कृष्णा मुखर्जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं व्लॉग बनाने ही लगी थी कि मम्मा ने मुझे मेरे हाथ में चाय की कप थाम दी। ओ माय गॉड, माय हिंदी रीटेक। कि मम्मा ने मेरे हाथ में काय काय चाय के कप। टेक थ्री। मैं व्लॉग बनाने वाली ही थी कि मम्मा ने मेरे हाथ में चाय की कप थाम दी। कट। मेरी बात। अरे किसको हीरो ले लिया मैंने अपनी फिल्म में। मैं ब्लॉग बनाने वाली थी कि मम्मा ने मेरे हाथ में चाय का कप थाम दिया। ओह गॉड, ये बंगाली तो उनके की का प्रॉब्लम इज टू मच। एनीवे गाइस, सो मम्मा चाय बिना मम्मा भद्रकाली लग रही है। हाय गाइस, फाइनली आई एम बैक एंड बाय द वे चिराग इज आल्सो बैक, हेडलेस पर्सन। सो मेरी कुछ पैकेजेस हैं जो मैं खोलने वाली हूँ। ओके, ही आल्सो वांट्स टू ओपन देम। चलो लेट्स ओपन दीज पैकेजेस एंड देखते हैं किसके अंदर क्या है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। वाह, क्या एक्टिंग कर। सो पहला पैकेज है ये, जो कि पता नहीं कहाँ से है, तो हम इसे खोलने जा रहे हैं। लेट्स सी कि इसके अंदर है क्या। सो ये इविल आई कैंडल्स हैं जो मैंने रूपा के घर पे देखे थे और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए और इसे भी बहुत पसंद आए लगता है। एंड ही वॉन्ट्स टू ईट इट। सो इविल जो कैंडल्स हैं ये बहुत प्यारी हैं। ऑब्वियसली मैं इनको बर्न नहीं करूँगी बट ऐसे ही रखूँगी। सो आई गॉट टू ऑफ दीज। ठीक है, रखना। थैंक यू। एक मिनट, एक और है। हाउ डू आई ओपन इट फ्रॉम हियर। दैट्स चिकीज कोमल हेयर। सो ये दो कैंडल्स हैं। तरीके से ही थी ऑनेस्टली मुझे नहीं पता बट आई गॉट देम फ्रॉम अमेजोन। सॉरी गाइस, मैंने अपना क्लचर निकाल दिया, बहुत ही अजीब सी लग रही थी मैं। सो ये जो है बेसिकली शी वाज लुकिंग नॉर्मल। ये जो है दिस इज अगेन फ्रॉम अमेजोन। सो ये कुछ तो है जो चिराग ने मुझे मना किया था नहीं लेने को बट मैंने एनीवे ले लिया। तो आई कैन जस्ट यू नो पुट इट लाइक दिस एंड इसके ऊपर मैं लिख सकती हूँ वट एवर आई वॉन्ट, दैट आई एम ग्रेटफुल और आई एम हैप्पी और माई हस्बैंड हैज टू यू नो गिफ्ट मी समथिंग, एनीथिंग आई कैन राइट ऑन इट। पेपर पे यू कुड हैव रिटन ऑन अ पीस ऑफ पेपर आल्सो। नहीं, इसमें लाइट आएगी ना। सी, आई नो इसमें वो एलईडी लाइट्स हैं और साथ में इसमें वो भी हैं। सॉरी, मैं तो दिखाना भूल ही गई। और इसमें ये कलरफुल पेन है, स्केच पेन है, तो उससे लिखूंगी तो बहुत ही प्यारा लगेगा। मोटिवेशन मिलती है ना, चीज अच्छी लगती है। तो अमीर लोग के अमीर पढ़ लो। चोचले, अमीर लोगों के चोचले। मैं अमीर, मैं दिल से बहुत अमीर। चोचले तो नॉर्थ इंडियन है। एंड मैंने जो मेरा सेज था जो मैं हीलिंग के लिए घर पे जो यूज करती हूँ वो खत्म हो गया था तो मैंने ये मंगवाया। डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट ड्रग्स। हाँ, दिस इज नॉट ड्रग्स गाइस, दिस इज सेज जो कि आपको अमेजोन से मिलता है। नॉर्मल वाले भी होते हैं और ये वाले भी होते हैं बट आई लाइक दीज। एंड बाय द वे मम्मा इज गोइंग टुमारो, विल मिस मम्मा। कोई बात नहीं, हम लुधियाना आ जाएंगे जल्दी। तो दिस इज ऑल्सो बाय द वे फ्रॉम अमेजोन। सो दीज आर पिम्पल पैचेस बट ये नॉर्मल पैचेस नहीं है गाइज। ये जो पैचेस हैं ओके, आई विल शो यू, अभी बंद है बट मैं ये पिंपल पैचेस आपको बाद में दिखाऊंगी। दीज आर रियली क्यूट, दीज आर रियली रियली क्यूट। और मैं पढ़ती तो हूँ नहीं बट मैंने सोचा है कि मैं पढ़ना शुरू करूंगी एंड माय सिस्टर शी सजेस्टेड मी दिस मूवी। इसका एक्सप्रेशन देखो, व्हेन ही सेड मैं पढ़ना शुरू करूंगी लाइक रियली मॉम रियली प्लीज डोंट जोक अबाउट। एंड आई वाज लाइक माय सिस्टर सजेस्टेड दिस मूवी, माय सिस्टर सजेस्टेड मी दिस बुक। इकिगाई का मतलब है इट्स अ वे ऑफ लिविंग लाइफ, इस नहीं पे लिखा होगा कहीं, इसने पढ़ लिया होगा। एक्चुअल शिव पुराण मंगाई थी पर गलती से मेरे पास ये महागथा आ गई है, 100 टेल्स फ्रॉम द पुराणस।
तो फिर आई थिंक मैं ये वापस करवाऊंगी. सो यस आई एम गोना रिटर्न दिस वन. ही इज जस्ट डिस्ट्रैक्टिंग मी गाइस. और ये जो है बुक मैनिफेस्ट पे है. सो आई थॉट ऑफ रीडिंग दिस. समटाइम्स क्या होता है कि इतने नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव थॉट्स इतने हो जाते हैं कि आप ये चीजें भूल जाते हो. सो यू जस्ट हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ. रियली सो यस ऑल दीज बुक्स आई गॉट फ्रॉम Amazon ओनली. अब खोलते हैं ये वाला बॉक्स. स्टॉप इट यार, मैंने कितना अच्छा इसको घुमाया था. ये वाला बॉक्स खोलते हैं. लेट्स सी इसके अंदर क्या है गाइस. सो ये बहुत ही क्यूट गोल्डन बर्डीज हैं. और मुझे किसी ने तो कहा था, एक्चुअली मैंने किसी ने कहा नहीं था, मैंने इंस्टा पे एक वीडियो देखी थी कि आपके घर में ऐसे पेयर ऑफ बर्ड्स होने चाहिए तो प्यार बढ़ता है. देखो इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पास आउट हुई. तो मैंने ये दो बर्ड्स मंगाई. घोंसला भी आया साथ में. ये घोंसला भी आया साथ में. टिंग 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 टिंग. दैट्स सो क्यूट. है ना, बहुत प्यारे हैं. तो ये छोटे छोटे वाले तो हो गए. अब है हमारा जो बड़ा वाला. क्लासिक कृष्णा. अरे आई हैव नेवर. मैंने नहीं किया ये. क्या है ये? कैंडल होल्डर होगा. हाँ बट मैंने नहीं ऑर्डर किया. मेरा ही पार्सल है ना. उसके अंदर देखो और कुछ है. एक्चुअली क्या है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो लाइक हाउ आई यूज दोज लिलीज ना, मुझे लिलीज यूज करती हूँ. तो एक लिली कट करके यहाँ पे पानी भर के इसमें ऐसे डाल दो. सो दिस इज रियली क्यूट. मैंने इंस्टाग्राम से ऑर्डर किया था. हमारा एंड लुक एट आवर न्यू वैक्यूम क्लीनर. एंड ये पता नहीं क्या यार, मैंने तो ये ऑर्डर ही नहीं किया था. शायद फ्री में मिला होगा इसके साथ. एक और चीज़ है जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी. आई ऑर्डर दिस फ्रॉम इंस्टाग्राम. तीज करके उनका जो पेज है वहाँ से ऑर्डर किया था. एक्चुअली मैंने दो चीज़ें ऑर्डर की थी, पता नहीं एक क्यों आई. सो दिस इज अ कमरबंद जो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लगती है. एंड दिस थिंग इट इज़ फ्रॉम माय इरिटेटिंग स्वीट हस्बैंड. और चिराग आपने मुझे क्यों दिया था? इट्स सॉरी नोट. चिराग ने कुछ तो किया था. सो हम दोनों का कुछ तो झगड़ा हुआ था. एंड चिराग ने मुझे ये जो है चिराग ने मुझे गिफ्ट किया था. सो ही गिफ्टेड मी दिस. And very sweet of him. मैंने माफ कर दिया उसे. ऐसे गिफ्ट मिलते रहने चाहिए, फिर झगड़े भी अच्छे लगते हैं, है ना? So this, oops, off, कहाँ गया? Oops, off, oops, off, oops, off. So Chirag got me these earrings from UK. अभी वो जो UK गया था वहाँ से लेके आया. एक्चुअली इसके पीछे स्टोरी क्या है, ही गेव मी द सेम इयर रिंग्स एंड सेम नेकलेस. नेकलेस गुम हो गया, पता नहीं कहाँ गया. लाइक लिटरली मैंने एक बार भी नहीं पहना था एंड गायब हो गया एकदम. एंड इयर रिंग जो था लिटरली मैंने घर पे पहना था और कहीं गिर गया और मुझे मिला ही नहीं. लाइक लिटरली झाड़ू लगाने के बाद भी नहीं मिला. सो ही वॉज लाइक कि नहीं, यू लाइक मून. I told you guys that मुझे you know I'm obsessed with the moon and all. तो ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, बहुत ही क्यूट है. सो ही गॉट मी दीज अगेन. एंड यस ही गॉट मी दिस ऑल्सो. इट्स अ ब्रेसलेट एंड इस पर लिखा है शी बिलीव शी कुड सो शी डिड. इट्स सिल्वर प्लेटेड ब्रेसलेट. मैंने अभी तक खोला नहीं है. ये मम्मा पूजा कर देती हूँ सब. आज बोध पूर्णिमा है. सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन गाइस. थैंक यू मम्मा. ओके मैंने अभी तक खोला नहीं था बिकॉज आई थॉट आई शो यू गाइस एंड देन आई ओपन दिस. बट इट्स रियली स्वीट ऑफ चिकी. ओह नो इट्स नॉट अ ब्रेसलेट. इट्स नॉट अ ब्रेसलेट, इट्स अ नेकलेस. ही टोल्ड मी इट्स अ ब्रेसलेट. इट्स अ ब्यूटिफुल नेकलेस. इट हैज विंग्स. It's very cute.
it has two wings. One, wait, let me show. One golden and one silver. Thank you, Chicky. So ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी और जो चिकी मेरे लिए लेके आया था. शी ही गॉट सो मेनी चॉकलेट्स ऑल्सो फॉर मी, जो कि मैं नहीं खाने वाली. ऑफकोर्स मैं नहीं खाती चॉकलेट्स. सो दीज वर द थिंग्स विच आई ऑर्डर्ड रिसेंटली एंड आई वॉन्टेड टू ओपन इट विद यू गाइज. मैं वेट करी थी कि मैं कब व्लॉग बनाऊंगी, कब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, फिर मैं ये सारी चीज़ें खुद देखूंगी कि मैंने क्या क्या मंगवाई हैं. मैंने बहुत पेशेंटली वेट किया, मम्मा ने भी बहुत पेशेंटली वेट किया. मम्मा कल जा रहे हैं तो बेचारे मम्मा कहते हैं कि आज तो बेटा खोल ही दे, मैं देख के ही जाऊँ कि तूने क्या क्या मंगवाया है, क्या क्या खर्चा किया है तूने. क्योंकि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि यू नो इतने खर्चे मत किया करो, घर पे इतनी चीज़ें तो हैं फिर क्यों मंगवानी है. एंड आई थिंक इट्स विद एवरी वन, सब पेरेंट्स का यही हाल है. एंड हम भी पेरेंट्स बन जाएंगे तो शायद हम भी ऐसे होंगे. तो ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग. आई होप यू गाइस लाइक इट. अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू नो आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं अपना कोई व्लॉग डालूं. एंड अगर आपने इससे पहले वाला व्लॉग मेरा नहीं देखा है जहाँ पे मैंने अपनी लिपस्टिक की कलेक्शन दिखाई है, नहीं देखा है तो प्लीज अभी जाके देखिए. एंड ऑल्सो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि मैं और किस चीज़ पे ब्लॉग बना सकती हूँ. यू नो आई गेट रियली कन्फ्यूज कि अब मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ. तो आप लोग कॉमेंट में से मुझे जरूर बताइए कि मैं किस चीज़ पे ब्लॉग बनाऊँ एंड आई विल मेक इट. एंड कैप्टन दोबारा आ गया है मुझे इरिटेट करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए. उससे पहले मैं आप लोगों को अलविदा बोल देती हूँ. बाय गाइज, लव यू ऑल.